एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ जब आप रूदारी से करते हैं तो उसका मज़ा कुछ और है, और वो बड़ी लॉन्ग टर्म चलती है। और अगर आप यू नो जैसे वो एक 4 हफ्ते का एक गाना होता है, वो आता है और गायब हो जाता है, नो डाउट वो बहुत हिट होते होंगे, लेकिन ऐसे सॉन्ग्स जो आपको बड़ी देर तक लेके चलते हैं। अच्छा, बैक टू लाइफ जर्नी ना जी, फलक इतना दिल से इतना सोलफुल गा रहे हैं आप जी, तो ये अचानक डिस्कवरी हुई थी कि आज मैंने, अब के बाद से मैंने सिंगर बनना है? नहीं, बिल्कुल अचानक नहीं हुई थी, बचपन से ही। एज यू नो बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जिनकी सबका स्टार्ट नाथ पानी से, तिलावत से, किरात से, मैं बहुत करता रहा। और मैंने तो बताने वाली बात नहीं, बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि कुरान हिफ्ज़ करते करते मैं भागूँ। अच्छा। लेकिन बस वो एक टाइम था जब फादर चाहते थे, लेकिन हम बच्चे थे, हम भागते थे। उस वक्त मार बड़ी पड़ती थी कारी साहब की, शायद इस वजह से भाग गए। अब भी पड़ती होगी शायद। तो मुझे बेसिकली डर था, वो जो मार का डर होता था ना, उससे मैं भागता था, नहीं तो मैंने शायद कुरान हिफ्ज़ कर लेना था। तो किरात बड़ी अच्छी करता था मैं और नाथ फनी, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये इम्प्रेस करने का एक सबसे आसान तरीका है कि आप किसी को नाथ सुना दो, कुरान की तलावत सुना दो, तो इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन जब आप स्कूल में गए, तो स्कूल में आपको जब आप परेड में खड़े होते हैं या असेंबली होती है आपकी, तो उसमें फिर मुझसे वो स्टार्ट करते थे किरात से, मैं उसकी नाथ खानी भी करता था और मैं लास्ट में तराना भी पढ़ाता था। तो करते 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 मेरा वोकल टोन, तो जो भी काम करना है स्टार्ट यंग, जल्दी शुरू करें उसको, जो भी अपना पैशन है आइडेंटिफाई करें और लग जाएं उसके पीछे। एक्चुअली मुझे काफी लोग ये बोलते हैं कि जी हमें बड़ा शौक, बहुत शौक है, हम बस सिंगर बन जाएं। मैं कहता हूं नहीं बन सकते जब तक आपको शौक जुनून की हद तक नहीं है। एक शौक होता है, सबको शौक होगा, इनमें से सारे ऑडियंस में से काफी ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत सिंगिंग का शौक होगा, लेकिन जब वो जुनून ले आएंगे, पैशन ले आएंगे ना, उसमें ऑटोमेटिकली कामयाब होंगे। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत, जबरदस्त। अभी ये बात कर रहे थे ना आप, तो उसमें मैं एक छोटा सा अपनी बात ऐड करके सुनाने के लिए, वो कहते हैं ना, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। हम कारी बनने पे बहुत जोर देते हैं, हालांकि हमें कुरान बनने पे जोर देना है, समझने में समझने में जो आप करते हैं। आई हैव सीन यू एज अ वेरी काइंड हार्टेड मैन, इतने बड़े स्टारडम जो कि मुसलसल माशाल्लाह बड़ा हो रहा है, यू हैव नॉट लॉस्ट द ग्राउंड, अभी तक आप जो है उतने ही हम्बल, उतने ही यहाँ पे इस वक्त ऑडियंस में बड़ी यंग लोग भी बैठे हुए हैं। और मैं हमेशा अपने फैंस को एक बात बोलता हूँ, अगर मुझे कोई कहे कि आप मैसेज दें, तो मैं एक ही मैसेज देता हूँ कि जितना हो सकता है अपने माँ बाप की बात पर अमल करें, जितना हो सकता है। फलक, आप रिजेंटमेंट नहीं आई थी, अब्बा पैसे नहीं दे रहे, आपने मुझे पैदा नहीं किया, आप लोगों के बाप उनके लिए क्या? एक्चुअली मेरे बाप के खून में मेहनत थी बहुत, वो उनके अंदर थी, वो हमेशा से खुद चाहते थे, क्योंकि उन्होंने खुद अपने आप को स्टेबल किया है। तो जब आपके फादर में ये चीज होगी, ऑफ कोर्स उसकी औलाद में भी होगी। और बेटे की तरफ से कभी बात नहीं, आपने हमें दिया ही क्या है, आपने हमारे लिए किया ही क्या है, हमारे ड्रामे की लाइन। मैंने अपने फादर के आगे तो मेरा अल्लाह का शुक्र है, अब मेरे साथ नहीं है वो इस वक्त, 2013 में पास्ट, लेकिन मैं आज भी उनकी वो जो कही हुई बातें उनको फॉलो कर रहा हूँ। जैसे भी आपने कहा कि ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी, तो हमेशा एक बड़े देसी बंदे से, हमेशा देसी में बात करते थे, बड़े झटका इंसान नहीं होता गांव का, वो था, तो वो कहता था पुत्र जिन्ना झुकया रहेगा उन्ना फल लगेगा, तो झुके हुए दरख्त को फल लगता है, ये एग्जाम्पल तो सबको पता है। तो मैं कोशिश करता हूँ हम्बल रहूँ, कोशिश करता हूँ कि कभी फलक ने ये भी नहीं कहा कि मैं तो सेल्फ मेड हूँ, मैंने तो खुद मेहनत करके बनाया, आपने मुझे दिया ही क्या था, कभी फील भी नहीं किया, सोचा भी नहीं है, कहना तो दूर की बात। वेरी गुड यार, ग्रैटिट्यूड, जो अपने माँ बाप का मशकूर नहीं हो सकता, वो उसने रब का क्या होना है, उसने किसी का क्या होना है। सो जैन, आप भी इतनी अच्छी बेटी और इतनी ओबीडियंट एंड हर बात मानने वाली। अक्सर हमारे यहाँ की जो आर्टिस्ट हैं कहती हैं कि हमें तो खाना बनाना नहीं आता, हम तो ये काम नहीं, मैं सारे काम कर लेती हूँ, हांडी रोटी बर्तन, हाँ, सब घर की सफाई करना, खाना बना लेना, खाना कोई भी हो जाए, ये नहीं है कि मतलब कह रही हूँ बना, सिरी पाए बना लेती हूँ, सिरी पाए नहीं, अभी ऐसा नहीं है ना ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब लाइक कोरमा बिरयानी चाइनीज़ ये सारा कुछ इजीली वो बना लेती हूँ, क्योंकि बनाया है। और एक टाइम पे शौक भी आया था इस एज में, तो मैंने सीखा अम्मी से सीखा, और अभी भी कभी कभार अगर टाइम मिलता है तो मैं बनाती हूँ खाना। ठीक है। दूसरा, घर में सबसे छोटी हूँ, लाड प्यार बहुत मिला है, लेकिन उस लाड प्यार को मैंने गलत तरीके से नहीं यूज़ किया कि मैं उस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँ, तो
बस बहुत अच्छी बात है। हाँ। अच्छा सुजैन, घर में वो जो लड़कियों के टिपिकल रिश्ते वाले आते हैं, वो ट्रे लेके जाते हैं, आप बेचारे हाथ भी कांप रहे होते, वो सीन नहीं, चला? आज तक नहीं हुआ, क्योंकि अम्मी ने सीधा स्ट्रेट अवे, क्योंकि जिस तरह कहते हैं ना पेरेंट्स से कभी कोई बात होती है तो अम्मी ये कहती है कि मेरी बेटी ने खुद अपनी मर्जी से शादी करनी है, तो ये कोई सीन ही नहीं है। अच्छा, तो वो कहती है कि अपनी मर्जी से तुम ढूंढो लड़का, पसंद आए बताओ, मिलवाओ, समझ आएगा, क्योंकि बहुत सारी आपको पता चीज़ें होती हैं, तो फिर उसके बाद तो कोई लड़का अभी तक पसंद नहीं आया? अभी पैदा ही नहीं हुआ। नहीं क्या मतलब? अभी पैदा ही नहीं हुआ, अभी पैदा होगा, बड़ा होगा, फिर मैं सोचूंगी। अच्छा वाकई? आप पर अभी शादी नहीं, प्रियंका की तरह कोई निक जॉन्स जॉन्स चाहिए है? कुछ पता नहीं है कि क्या नसीब में है, क्या लिखा हुआ है, लेकिन अभी कोई शादी का अभी कोई प्लान नहीं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बड़ी इंट्रीगिंग लगती है, इतना मॉडर्न आपका हमेशा आउटलुक, अब आज तो आपने ट्रेडिशनल पहना है, अदरवाइज यू आर वेरी मॉडर्न माशाल्लाह, अच्छा ड्रेसेस, ये जो नथनी है ये बड़ी ट्रेडिशनल एक वो है, सो ये किसी के कहने पे पहनी है, ये खुद से कोई सोच है, ये क्या है? ये मुझे पसंद है, मतलब लाइक वो जो लॉन्ग टाइप का होता है ना, वो बहुत टिपिकल, बहुत पेंडू टाइप लगता है वो, अगर आपने टॉप भी पहना तो ऐसा लगता है कि ये क्या है, मतलब तो वहाँ पे लेकिन वो सूट कर रहे थे, इनफैक्ट जब आप भी करते हो, ये मैं काफ़ी अर्सा पहले भी पैसे बीच में होता सोच रही हूँ मैं चेंज। अच्छा, आपसे गाने ज़्यादा सुनने हैं क्योंकि आपके जो फैंस हैं आई वुड लव टू हेयर यू आउट इंक्लूडिंग मी, सो एक गाना और जो कोई आप हमें सुना सकते, ताकि उसके बाद हम बैठ के भी सुना सकते, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इजाजत दें तो कुछ थोड़ी सी जरा अंदरूनी बातें, अंदरूनी कहानियां हो जाए, कुछ थोड़ी सी दिल की बातें हो जाए। दो ऑप्शंस हैं, हाँ और कभी नहीं, दोनों के पास, ठीक है? सवाल ब्लंट होंगे, सवाल को माजरत के साथ, खतरनाक वाले सवाल हैं। नहीं इतने भी खतरनाक, अच्छा, इतने भी नहीं, लेकिन होंगे, ठीक है, लेकिन सवाल सही बताना है और एक दूसरे की तरफ देख के नहीं बताना, सही? ठीक है। अच्छा जी, बैक वक्त दो लोगों से मोहब्बत हुई जिंदगी में? एट अ टाइम टू पीपल? हाँ नहीं, मतलब आपने ये तो कंफर्म कर लिया कि मोहब्बत हुई है। हाँ, मोहब्बत हुई। अच्छा, दिल तोड़ा किसी का? इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ी उसका तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था, उसका तो नहीं टूटा था। मैं कंफर्म कर लूं कि उसने मेरा तोड़ा था, शायद इसलिए सैड गाने बन रहे हैं। अच्छा, दिल तोड़ा था, ठीक है, ओके।